दोस्तों जब भी हम कोई एआई से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं और वहाँ पे हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो काम काफ़ी तेज़ी से हो, इसी करके हम कोई लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं और वहाँ पे हम न्यू लैपटॉप बाय करना चाहते हैं। और वहाँ पे दोस्तों हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम जो डेडिकेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है उसके साथ कोई लैपटॉप बाय कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेडिकेट ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट में वहाँ पे एआई से रिलेटेड कोई काम है काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी करके हम कोई ऐसा लैपटॉप बाय करना चाहते हैं जिसमें जो प्रोसेसर हो उसमें खुद में कैपेबिलिटीज हो कि वहाँ पे वो एआई से रिलेटेड कोई काम कर सके, या कहीं प्रोसेसर के अंदर ही कुछ इस तरह के प्रोसेस यूनिट हो जो हमारे एआई से रिलेटेड काम कर सके। तो यहाँ पे दोस्तों इसी कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे इंटेल ने अपने जो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया है जिसे हम बोलते हैं इंटर कोर अल्ट्रा प्रोसेसर। यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इंटर कोर अल्ट्रा के प्रोसेसर है इनमें आपको क्या क्या खास देखने को मिलता है, और पुरानी जनरेशन के जितने भी आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलते थे लैपटॉप के लिए उनसे अलग इसमें क्या खास है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्त सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी यहाँ पे पुराने जितने भी जनरेशन के इंटेल कोर के प्रोसेसर आपको देखने मिलते थे और यहाँ पे इंटर कोर अल्ट्रा के जो प्रोसेसर है इनमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लेना चाहता हूँ, जैसे पुरानी जनरेशन मान लीजिए 13 और 14 जन के रैप्टर लेक के यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा, और यहाँ पे जो हमारे इंटर कोर अल्ट्रा के जो प्रोसेसर है जो मेट्रो लेक इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे जो इंटर कोर अल्ट्रा जो सीरीज 1 आई है इसे हम मेट्रो लेक बोलते हैं, और यहाँ पे जितने भी हमारे 14 या उससे पहले के थे उन्हें हम अलग अलग जनरेशन के हिसाब से अलग अलग जो नेमिंग देते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों इसका कोर नेम जो 13 और 14 जन के जितने भी इंटेल के जो कोर के प्रोसेसर थे i3, i5, i7 और i9 इनको हम यहाँ पे जो रैप्टर लेक बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा रैप्टर लेक में आपको न्यू सीरीज देखने को मिलेगी जिसमें आपके यहाँ पे आई जो है मतलब वहां पर ड्रॉप ही कर दिया और सीधा वहां पर सिंपल है जो 3 न्यूमेरिक डिजिट के आपके वहां पर बना दिए गए प्रोसेसर, मतलब उसे हम इंटर कोर जो प्रोसेसर बोलते हैं। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में डिटेल में जानना तो मैंने इसके ऊपर पहले से डिटेल में वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे इनके बारे में पूरी डिटेल में बताया है कि यहाँ पे इनमें क्या डिफरेंस है और यहाँ पे इनका नेमिंग सेगमेंट के बारे में पूरी डिटेल में बताया। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं रैप्टर लेक और हम जो मेट्रो लेक की बात करते हैं यहाँ पे जिसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा जितने भी हमारे पुरानी जन के जितने भी हमारे जो प्रोसेसर होते थे जो लैपटॉप में लगते थे तो उनमें आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि वहां पे सबसे पहले एक डाई होती थी और डाई में वहां पे बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर होते थे और सभी कुछ उसी डाई के ऊपर होता था। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रैप्टर लेक के एग्जांपल देख सकते हैं और यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिलेगा रैप्टर लेक इसमें देखने मिले जैसे कोर्स थ्रेड्स जो हमारे होते थे और पी कोर्स ई कोर्स होते थे और या फिर मेमोरी कंट्रोल होता था, डिस्प्ले कंट्रोल होता था, या फिर मान लीजिए कि हमारे पीसीआई एक्सप्रेस जो होते थे मतलब उससे रिलेटेड कोई काम होता, मीडिया इंजन होता था, या फिर जीपीयू से रिलेटेड कोई इनबिल्ट जो जीपीयू होता था वो जो सब कुछ होता था एक टाई के ऊपर होता था। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता था कि जिसकी वजह से क्या होता था कि प्रोसेसर है वहां पे काफी जो पावर लेता था चाहे लैपटॉप में हमारे जो प्रोसेसर लगते थे। तो वहां पे दोस्तों इसको यहाँ पे क्या किया गया कि पहले जब एक पूरी डाई पे होता था तो हमेशा पूरी की पूरी जो डाई है मतलब पूरे पूरे ट्रांजिशन वर्किंग में होते थे। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो चीज आपको देखने को मिलेगी जितने पुरानी जन के होते थे और यहाँ पे जो रैप्टर लेक के आप जो डाई देख रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इसी कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया जो मेट्रो लेक मतलब जो इंटर कोर अल्ट्रा है यहाँ पे इसमें क्या किया गया कि सभी डाई का यहाँ पे जो कट कर दिया गया मतलब पार्टीशन कर दिया गया मतलब टाइल्स के रूप में। वहां पे दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ग्राफिक्स जो हमारी जो टाइल है उसे अलग बना दिया गया जो ग्राफिक्स रिलेटेड जितना भी काम करेगी, और हमारी जो सिस्टम ऑन चिप है मतलब जिसमें आपको काफी चीज देखने को मिलती है जैसे मेमोरी कंट्रोल, एलपीई, ई कोर्स, एनपीयू जैसे न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे ये से रिलेटेड काफी काम करेंगे। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये जो हमारी है सिस्टम ऑन चिप मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, और ये जो चिप है एसओसी ये हमेशा हमारी हर टाइम ऑन रहेगी और बाकी जो हमारी ज्यादातर ऑफ रहेगी ये मैं आपको बताऊंगा क्यों रहेंगी। और दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर टाइल है मतलब जिसमें हमारे जो कोर्स है वो अलग कर दीजिए, और यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा आईओ टाइल्स जिसे हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट टाइल, मतलब यहाँ पे आपको थंडरबोल्ट के पोर्ट है या फिर मान लीजिए ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई लैन वहां पे अगर एक्स्ट्रा जो चाहिए तो वहां पे वो इसके थ्रू काम करेगी। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं चार तरह के वहां पे टाइल बना दीजिए और इनको अलग अलग वहां पे जो पार्टीशन कर दिया गया और इन टाइल को वहां पे टाइल्स टू टाइल्स यानी इनका कनेक्शन हुआ आपस में जोड़ दिया गया एक सीपीयू को बनाने के लिए। पहले जो एक डाई के ऊपर होता था अब क्या किया गया इन डाई को
मतलब स्प्लिट करके वहां पे एक टाइल सिस्टम बना दिया गया है, ताकि जिस पे जिस टाइम पे जो काम हो वो उसी पे टाइम वर्क करे, बाकी टाइम वो ऑफ रहे, इसी करके। तो दोस्तों आप मेल यहाँ पे दे सकते हैं चार टाइल, मतलब यानी कि मेटियोर लेक में, मतलब जो इंटरकोर अल्ट्रा है, यहाँ पे टाइल टू टाइल सिस्टम करके वहां पे एक प्रोसेसर बना दिया है। यहाँ पे दोस्तों इसमें जो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, जैसे आप दोस्तों दे सकते हैं यहाँ पे फोग्रोस 3D पैकेजिंग का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं, जैसे टेप्टर लेक में हमारे जो प्रोसेसर होते थे, जैसे यहाँ पे i7 14650, i5 का 14450, HX मतलब लास्ट में, और i9 14900 HX है ये रैप्टर लेक में होते थे। और यहाँ पे रैप्टर लेक में न्यू सीरीज देखने मिलेगी, जैसे कोर 7 150U, कोर 5 120U, कोर 300U। रैप्टर लेक में आपको न्यू सीरीज देखने को मिलेगी, और यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर कोर जो 9 प्रोसेसर होता है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे पुराने जन के और जो इंटरकोर अल्ट्रा में, इनमें आपको क्या डिफरेंस मिलता है। जितने भी दोस्तों आप देखेंगे, पहले जैसे मैंने बताया कि वहां पे एक डाई के ऊपर ही सब कुछ होता था, और यहाँ पे दोस्तों उसमें स्प्लिट कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि उसी सिस्टम ऑन चिप, उसमें आपको काफी चीज देखने मिलेगी। जैसे मान लीजिए वहां पे BD इंजन आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आपको LPE कोर्स देखने को मिलेंगे, और यहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे आपको जो डिस्प्ले इंजन भी देखने को मिलता है। तो ये और साथ में दोस्तों आपको देखेंगे कि यहां पे NPU जिसे हम बोलते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट मिलते हैं, मतलब AI से रिलेटेड जितना भी काम है वो भी आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहां पे एग्जांपल के तौर पर आप हम ले लेते हैं कि SOO चिप हर टाइम ऑन क्यों रहेगी। यहां पे दोस्तों इस करके ऑन रहेगी कि आप मान लीजिए कि वहां पे कोई मूवी देख रहे हैं, सिर्फ वहां पे जैसे उसमें डिकोडिंग करने के लिए होती है, तो वहां पे उसमें ग्राफिक्स इंजन, मतलब यानी कि आपके ग्राफिक्स रिलेटेड इतना कोई काम नहीं है, तो सिर्फ वहां पे इनकोडिंग में, तो आप दोस्तों देखेंगे SOO टाइल्स में ही आपके जो मीडिया इंजन है, इसमें आप दोस्तों देखेंगे कि यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जब मान लीजिए कि आप वहां पे सिर्फ डिकोडिंग कोई काम कर रहे हैं और सिर्फ वीडियो प्लेबैक कर रहे हैं, तो सिर्फ आपका मीडिया इंजन ऑन रहेगा और आपका ग्राफिक्स स्टाइल बन रहेगा, जिसकी वजह से होगा दोस्तों कि यहां पे पावर एफिशिएंसी वही है कि आपका जब ग्राफिक्स स्टाइल ऑफ रहेगा तो वहां पे इतना ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, मतलब यानी कि चीज पे, और वो पावर एफिशिएंसी रहेंगे। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मीडिया इंजन के अंदर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, यहां पे मीडिया इंजन है और इसके अंदर आपको MF कोड देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब होता है मल्टी फॉर्मेट कोडेक्स। यहां पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा इनकोड और डिकोड के देखने को मिलेंगे, और यहां पे दोस्तों आपको अलग-अलग यानी कि देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पे देखिए कि इसके अंदर वीडियो एनहांसर भी है, HDR टोन भी है, और यहां पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कलर स्पेसर है, वीडियो स्केलर है, इसके अंदर आपको दोस्तों ये चीज देखने को मिलेगी। और यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि 8K 60 जो FPS में 10 बिट HDR डिकोड कर सकते हैं, पर वहां पे इनकोड आप यानी कि कम कर सकते हैं, मतलब 8K 10 बिट कर सकते हैं पर उसमें जो FPS है वो कम कर सकते हैं वहां पे इनकोड। और यहां पे दोस्तों VP9 AVC HEVC AV1 आप ये चीजें सब कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आप यहां पे दे सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए यहां पे टाइल सिस्टम बनाया गया था। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारी मीडिया इंजन की बात। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहां पे हमारे जो NPU की बात, जिससे हम AI रिलेटेड बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। NPU के यहां पर मतलब होता है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पे आपको जैसे डायरेक्ट एक्स जो 12 का अल्टीमेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिससे आप एयर रिलेटेड से कोई भी काम है काफी तेजी से कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके में आपको देखने को मिलेगा जो NPU होता है हमारा न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट जो SOC चिप के अंदर है, जिसमें क्या होगा कि आप मान लीजिए कि SOC चिप में ही हमारा NPU यूनिट है, जिसमें मान लीजिए आप हल्का फुल्का कोई काम करना चाहते हैं और वहां पे आप AI से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो SOC चिप वहां पे इनेबल रहेगी और बाकी सब यानी कि ऑफ रहेगी, जिससे हमारा यहाँ पे जो प्रोसेसर है काफी एफिशिएंसी वाला रहेगा, मतलब पावर एफिशिएंसी वाला रहेगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपको जो दो जो है न्यूरल कंप्यूट इंजन देखने को मिलेंगे, और उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मैक अरे। यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 4096 के करीब आपको मल्टीप्लाई अकुमुलेट इंजन है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि आपका AI से रिलेटेड काफी तेजी से काम हो सकता है। जैसे अगर आप दोस्तों इस ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि वो वर्किंग उसकी किस तरह हो रही है, और यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों इस न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट को इंटेल ने जो नाम दिया है वो यहाँ पे दिया है इंटेल AI बूस्ट। मतलब आप प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो वहां पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि इसके अंदर इंटेल का AI बूस्ट है। तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि वहां पे आपके जो इस प्रोसेसर के अंदर न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो वहां पे आपका AI से रिलेटेड जितना भी काम है वो काफी तेजी से होगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी प्रोसेसर होते थे, आपने दोस्तों देखा होगा पुराने जितने प्रोसेसर होते थे उनमें आपको जो परफॉर्मेंस कोड या एफिशिएंसी कोड देखने को मिलते थे, पर इसके अंदर आपको जो परफॉर्मेंस कोड भी देखने को मिलेंगे, एफिशिएंसी कोड्स भी,
पर इसके अंदर और जो एक कोर्स देखने को मिलेगा वो यहाँ पे एलपी कोर्स, जिसका मतलब होता है लो पावर एफिशिएंसी कोर्स। इसमें दोस्तों क्या होगा कि जैसे बैकग्राउंड में आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही है और वहां पे मान लीजिए आप मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपका मीडिया इंजन ऑन रहेगा एसओसी टाइल्स में जो है, और यहाँ पे एसओसी टाइल्स में जो आपका एलपी कोर्स है वो इनेबल रहेगा, जिसमें क्या होगा आपका हल्का फुल्का काम है जो वो हैंडल करेगा। तो उसकी वजह से होगा क्या कि वहां पे हमारे जो कंप्यूटर टाइल में जो परफॉर्मेंस कोर एफिशिएंसी कोर जो हाई कोर्स है वो वहां पे ऑफ रहेंगे, और वहां पे जिससे हमारा जो प्रोसेसर है फिर जो पावर एफिशिएंसी वाला होगा, जिससे हमारा जो प्रोसेसर वाटेज कंजप्शन भी कम होगी और हमारी बैटरी लाइफ भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कि एसओसी टाइल्स इसी करके होने लगी कि मेन जो हमारा जरूरी काम है वो उस टाइम पे हमेशा टाइम चलती रहेगी, और बाकी जब ज्यादा लोड होगी तभी वो ऑन होंगी। तो यहाँ पे इसी करके टाइल सिस्टम बना दिया गया है। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि एसओसी टाइल्स के अंदर हमारा जो मीडिया इंजन, जो आपको जो एआई से रिलेटेड है न्यूरो प्रोसेसिंग यूनिट, और जो हमारा एलपी कोर्स है वो मैंने मेन फीचर बता दिए। और बाकी आप जैसे चीज देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप डिस्प्ले हो गया, मीडिया से रिलेटेड कोई काम है, वाईफाई या ब्लूटूथ हो गया आपका, या सिक्योरिटी मैनेजमेंट से लेके इथरनेट ऑडियो पीसीएक्सप्रेस साटा और यूएसबी से रिलेटेड कोई भी काम है, तो यहाँ पे वो इसके अंदर आपको सभी चीज देखने मिलेगी, मतलब जो बाकी आपका यहाँ पे जो कनेक्शन होगा। उससे बाद दोस्तों हम बात करते हैं कंप्यूटर टाइल के बारे में, जिसमें हमारे जो मेन कोर्स है मतलब परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंसी कोर्स। यहाँ पे दोस्तों क्या होता था कि पुरानी जन जितने भी होते थे उसमें क्या होता था, जैसे कि रैप्टर लेक के प्रोसेसर के एग्जांपल लेता, मतलब 14 और 13 जन के प्रोसेसर होते थे, उसमें आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि वहां पे सबसे पहले जो टास्क होता था वो जो परफॉर्मेंस कोर के पास जाता था। अगर वहां पे उसे लगा कि ये जो हैंडल है मतलब एफिशिएंसी कोर कर पाएगा तो वो एफिशिएंसी कोर के पास जाता था। पर यहाँ पे दोस्तों जो मैट्योर लेक है या फिर कहीं इंटर कोर अल्ट्रा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो टास्क जाएगा वो एलपी कोर्स के पास जाएगा। अगर उसे लगा कि यहाँ पे मैं हैंडल कर पाया तो वो उसे सोल्व करेगा, अगर उसे नहीं लगा कि यहाँ पे जरूरत है मुझे एफिशिएंसी कोर की तो उसके पास टास्क भेज देगा। अगर वहां पे बहुत ही ज्यादा हैवी लोड वाला है तो सीधा क्या करेगा कि पहले एफिशिएंसी कोर के पास भेजेगा, या फिर एफिशिएंसी कोर उसे हैंडल नहीं कर पाया तो परफॉर्मेंस कोर के पास जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो डाटा का ट्रांसफर है इस तरह होगा, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस ग्राफ में देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि एलपी कोर्स की वहां पे यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, फिर एफिशिएंसी कोर्स की यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, और सबसे कम जो परफॉर्मेंस कोर्स की हो रही है। यहाँ पे दोस्तों परफॉर्मेंस कोर एफिशिएंसी कोर्स जो कंप्यूटर है वो हमारी तभी इनेबल होगी जब काफी जो लोड होगा, अदरवाइज वो ऑफ रहेगी। तो इसी करके टाइल सिस्टम बना दिया गया है, वहां पे दोस्तों इस ग्राफ से आप क्लियरली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो बात होगी कि हमारे जो एसओसी टाइल्स के अंदर जो आपको चीज देखने मिलती है और कंप्यूटर टाइल के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो मेन टाइल के बारे में, जिसे हम बोलते हैं ग्राफिक्स टाइल। यहाँ पे आपको जो एक्सई कोर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे 8 देखने को मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एक्सवीई है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे वेक्टर इंजन, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर आपको रे ट्रेसिंग यूनिट भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि जब हमारा कोई ग्राफिक्स रिलेटेड काम हुआ, मतलब वैसे तो मीडिया इंजन हैंडल कर लेगा उसे, अगर मान लिया हम वीडियो प्लेबैक कर रहे हैं, अगर यहाँ पे दोस्तों ग्राफिक्स रिलेटेड कोई काम है मतलब जो इनबिल्ट ग्राफिक्स यूनिट है तो वहां पे वो ऑन हो जाएगा। मतलब ग्राफिक्स रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, मतलब जहां पे रेंडर के रिगार्डिंग कोई काम हुआ तो वहां पे ये जो ग्राफिक्स स्टाइल ऑन हो जाएगी, जिससे हमारा जो रेंडरिंग का काम हो सके, अदरवाइज ये जो ग्राफिक्स स्टाइल ऑफ रहेगी। अगर हम सिंपली कोई वर्क कर रहे हैं या मीडिया प्लेबैक कर रहे हैं तो उस टाइम पे रेंडर का कोई काम नहीं होता, तो ये जो कंप्लीटली ऑफ रहेगी, जिससे हमारा जो प्रोसेस है एफिशिएंसी वाले यहाँ पे होंगे, मतलब यहाँ पे हमारी जो बैटरी जो वाटेज कंजप्शन भी कम खपत होगी। यहाँ पे दोस्तों ग्राफिक्स स्टाइल के अंदर देखने को मिलेगा कि अंदर आपको इसके अंदर एक्सई सुपर सैंपलिंग जो कोर्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारी जो इमेज है काफी जो अच्छी आएगी। उससे बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं इनपुट आउटपुट टाइल के बारे में। यहाँ पे दोस्तों ये तभी काम आएगी जब मान लीजिए कि आपका लैपटॉप कोई महंगे वाला और उसके अंदर ये जो टाइल दी जाएगी, ताकि वहां पे आपका थंडरबोल्ट का आपको सपोर्ट मिल सके, अदरवाइज आपके जो नॉर्मल यूएसबी है 3.2 या फिर मान लीजिए बाकी जो है तो वो उसमें यहाँ पे टाइल नहीं होगी, सिर्फ ये थंडरबोल्ट पोर्ट होगा आपका, जिसमें आपका डिस्प्ले से रिलेटिंग कोई काम है तो वहां पे तभी आपको ये टाइल दी जाएगी, और ये जो लैपटॉप के हिसाब से वहां पे मतलब प्रोसेसर के मॉडल नंबर के हिसाब से होगी। और इनपुट आउटपुट टाइल दोस्तों उसके लिए भी होती है जैसे पीसीआई एक्सप्रेस, मतलब वहां पे हमारा कोई डेडिकेटेड ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट है और वहां पे उसके अंदर मतलब यानी कि अटैच है मतलब प्रोसेसर के साथ, तब वहां पे जो हमारी इनपुट आउटपुट टाइल होगी उस हिसाब से होगी प्रोसेसर के हिसाब से। मतलब वहां पे हमारी जो ग्राफिक्स कार्ड अगर हमारा है तो वहां पे भी उसके लिए ये इनपुट आउटपुट टाइल होती है, मतलब डेडिकेटेड ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट है उसके लिए। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि मेन फीचर की, यहाँ पे आपको जो पुरानी जन के जितने प्रोसेसर थे और यहाँ पे जो मैट्योर लेक में जो आपको इंटर कोर अल्ट्रा में आपको क्या फर्क देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप इसको कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो इंटर कोर अल्ट्रा के प्रोसेसर कौन से हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि जिस जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे उसमें क्या होगा इंटर कोर अल्ट्रा लिखा होगा, और वहां पे उसके बाद जैसे आपको तीन जो न्यूमेरिक जो नंबर देखने को मिलेंगे, पहला न्यूमेरिक नंबर यहाँ पे उसकी जो सीरीज को बताता है, जैसे पहला है पहला, उसके बाद दोस्तों जो दूसरे एसके नंबर हुए मतलब लास्ट के दो वो एसके नंबर,
जितने ज्यादा यहाँ पे एसक्यू नंबर बढ़ता चलेगा वहाँ पे आपका प्रोसेस उतना फास्ट होगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों देखिए जैसे इंटरकोर अल्ट्रा है, और यहाँ पे जैसे आपको 5 देखने को मिलेगा, 7 देखने को मिलेगा, 9 देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको इंटरकोर अल्ट्रा 3 नहीं देखने को मिलेगा, लोअर वाला जो होता है वो नहीं देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको मिड हाई एंड और एंथुसिएस्ट जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरकोर अल्ट्रा 5, इंटरकोर अल्ट्रा 7, इंटरकोर अल्ट्रा 9 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेसर मतलब यानी कि हिसाब से जैसे 5, 7 और 9 में एसक्यू मोड नंबर के हिसाब से यहाँ पे आप जो परफॉर्मेंस कोर, एफिशिएंसी कोर्स और जो लो पावर एफिशिएंसी कोर्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जिसके लास्ट में एच है, जिसे हम हाई परफॉर्मेंस कोर बोलते हैं, यहाँ पे इसके अंदर आपको जो इंटर आर ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने पुराने में देखा होगा इंटेल ग्राफिक्स आपको देखने को मिलता था, एग्जीक्यूशन यूनिट होते थे, और यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर आपको इंटेल आर ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। मतलब इसके अंदर लो पावर आपको जो ग्राफिक्स यूनिट देखने को मिलेंगे, और जिसके लास्ट में यू है जिसका मतलब होता है पावर एफिशिएंट, उसमें आपको जो इंटेल आर्क ग्राफिक्स नहीं, उसके अंदर आपको सिर्फ इंटेल का ही ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे मोड नंबर के हिसाब से वहाँ पे इसमें आप सभी कुछ देख सकते हैं, उसके यहाँ पे जो कोर्स सेट्स, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं उसकी मैक्स टर्बो फ्रिक्वेंसी और जो प्रोसेसर वाट, प्रोसेसर बेस पावर, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट, और यहाँ पे मेमोरी टाइप कितनी सपोर्ट करता है। यहाँ पे दोस्तों मैं कहूंगा कि यहाँ पे मेमोरी टाइप जो है पुराने जो प्रोसेसर के हिसाब से मतलब काफी मेगाहर्ट्ज की वहाँ पे जो सपोर्ट करता है। आप दोस्तों देखिए यहाँ पे LPDDR5X में, तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 7467 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड की आपको स्पीड देखने को मिलेगी। मतलब बाकी में आप दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे आपको कम देखने को मिलती थी, पर यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब LPDDR5X का मतलब होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर हमारी जो रैम इम्बेडेड होती है, मतलब वहाँ पे चिप लगी होती है, उसे हम बोलते हैं। और यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे सोडियम जो हमारी रैम होती है लैपटॉप में लगाने के लिए, उसमें यहाँ पे कम करता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि वो जो DDR5 5600 मेगा ट्रांसफर तक करता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं कर रहा हूँ टॉप प्रोसेसर की बात। आप दोस्तों देख सकते हैं कि सभी मॉडल के जो एसपी नंबर के हिसाब से वहाँ पे कितनी कितनी जो मेगा ट्रांसफर की रैम जो सपोर्ट करता है। और यहाँ पे दोस्तों साथ में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो ग्राफिक्स यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है वो भी जो अलग अलग मॉडल के नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको साथ में देखने को मिलेगा जो PCI Express जो वर्जन भी है वो भी जो मॉडल नंबर के हिसाब से अलग अलग है, जैसे कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी यहाँ पे, या कहीं दो चीज कॉमन देखने मिलेगी कि यहाँ पे चाहे जिसके लास्ट में H है या U है, उसमें आपको यहाँ पे इंटेल का AI बूस्ट मतलब जो आपको न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है AI से रिलेटेड काम करने के लिए, वो सभी में देखने को मिलेगा, चाहे H है लास्ट में चाहे U है। और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि हमारे जो LPE कोर्स है, लो पावर एफिशिएंसी कोर्स है, वो भी आपको सभी जो प्रोसेसर में देखने को मिलेगा, चाहे जिसके लास्ट में H है या जिसके लास्ट में U है, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस कमाल की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक लेने चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।